माय चैनल जी एस सरकार ब्लॉग। मैं गीता आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ दिल से। और आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। और मैं सुबह सुबह उठ के मेरा जो जो काम होता है, मतलब बासी काम जो होता है, मैंने कर ली है। और एक दो बर्तन धोने के लिए मैंने निकाली थी और बारिश देखिए आ गया है, और इसीलिए मैं उसे नहीं धो के वहीं रख के आ गई हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग मतलब मेरे ब्लॉग देखते रहिए मेरे साथ और मेरे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। और मतलब आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों से क्या कहूँ मैं, इतना ही कहती हूँ। और इधर देखिए मैंने चावल निकाल के रखी है, अभी चावल बनाने के लिए पकानी पड़ेगी। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी सुबह नहीं खाना खाते हैं, कभी कभी मतलब, और कभी कभी सुबह ही खा लेते हैं। फिर भी मतलब मेरे पति देव तो जा चुके हैं दुकान पे, तो मैं अभी मतलब खाना खाना पकाऊँगी, जब वो आएंगे तब एक साथ खाऊँगी। और मतलब वो बहुत जल्द चले जाते हैं 7 बजे तक, तो इतना जल्दी नहीं खाते हैं। तो कभी दही मूढ़ी खा के चले जाते हैं, कभी चाय पी के चले जाते हैं, कभी क्या मतलब ऐसे ही। तो दोस्तों बाहर तो बारिश हो गई, बर्तन निकाली थी, मतलब सब बर्तन धुलाई कर ली, सिर्फ कढ़ाई और एक थाली मतलब। तो वही मतलब अभी धुलाई करने तो नहीं सकूँगी, बारिश है, बाहर देख देख के नहीं ना करूँगी। कल भी मैंने पूरा दिन इतना काम किया और रात को मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। कल का दिन भी पूरा ठंडा मौसम था, मतलब तो घर का लिपाई करना, कपड़ा धुलाई करना, इतना ज़्यादा सब कुछ, ये सब कुछ धुलाई करना, मतलब बहुत ही, सिर्फ पानी का ही काम किया था कल मतलब मैं। तो मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग गई और मतलब ठंड भी लग रही थी रात से रात को, और अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी तो स्वेटर निकाल के पहन नहीं सकती क्योंकि लोग मुझे हंसेंगे, अभी अगर स्वेटर निकाल के पहन लूँ तो लोग मुझे हंसेंगे, इसलिए मैं अभी स्वेटर नहीं निकाल दी। और इधर देखिए मेरा सब्जी वगैरह यहाँ पे रखा है, मैंने रात को सारा काम ख़त्म कर लिया था, लेकिन इसको मतलब उसकी जगह में नहीं रखा सब्जी को मतलब, तो आज रख दूँगी। और आप लोगों से फिर बातें बाद में करूँगी, फिलहाल मैं कुछ काम मतलब चावल चढ़ा लेती हूँ गैस पे, फिर और थोड़ी छोटी छोटी काम निकलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी, मेरा घर काम ख़त्म करके मैं नहा धो के मतलब खाना खाने लग गई हूँ, और हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो सुबह सुबह सब कुछ काम हो गया है, सब काम ख़त्म हो गया है, और इधर हम लोग खाना भी खा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली खाना साना खा के बर्तन सर्तन धुलाई करके हम रेडी हो के निकल चुके हैं। और देखिए हमारे रास्ते में कितना मतलब कचरा है, इसीलिए बहुत ही मुश्किल से निकल पाई हूँ, और मैं निकल पड़ी जाने के लिए। और दोस्तों देखिए इधर मेरे पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं हेलमेट सेलमेट लगा के, और हमें जा रही हूँ मतलब हम लोग, मेरे जो ताई जी गुजरे हैं उनकी श्राद्ध है, तो उनकी श्राद्ध में जा रही हूँ। तो फिलहाल के लिए बाय, बाद में फिर बातें करेंगे। तो दोस्तों देखिए मतलब सड़क भी इतना सुंदर खूबसूरत है, और चारों ओर नज़ारा भी कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब क्या बताओ आप लोगों को। और ये जो पहाड़ दिखाई दे रही है आप लोगों से, आप लोगों को ये अरुणाचल का ही पहाड़ है, जो एक दिन मैंने हमारे घर से भी दिखाया था, जो थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों देखिए मतलब बारिश भी होगी जैसी, मतलब बादल छाया हुआ है चारों तरफ, और देखिए ना नज़ारा के बारे में क्या बताऊँ। मेरे पति देव को कहा था कि रुकिए थोड़ा वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वो रुके नहीं, बहुत देर हो चुकी थी इसीलिए। तो देखिए मतलब मैं आप लोगों से जितना हो सके शेयर कर रही हूँ, देखिए इतना खूबसूरत, और जितना
जितना आगे जाऊंगी मतलब ये पहाड़ जो है मतलब और भी सामने से दिखाई पड़ेगी। मैं आप लोगों को दूर से भी दिखा रही हूँ, तो जितना आगे जाऊंगी मतलब इतना ही अच्छा दिखेगा, इतने मतलब खूबसूरत दिखेगा कि क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए मतलब इतना खूबसूरत लगता है ये नेचुरल जगह जो होता है मतलब ये सब। मैं उन्हें इतना बार कही कि रुकिए थोड़ा रुकिए, नहीं रुकते हैं वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ही देर हो रही है इसीलिए वो रुके नहीं, और हम जा रहे हैं और जा ही रहे हैं। और आप लोग भी देखते रहिए, नज़ारा का मज़ा लीजिए। और आप लोग जो जो नए हो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हो आप सभी को मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखते रहिए मेरे साथ मेरा ब्लॉग कितना क्या क्या दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं, और हम लोगों को एक छोटा सा नदी पार करके जाना है, और नदी का ऊपर एक छोटा सा बांस का मतलब ब्रिज है देखिए, वो भी मतलब टूटा फूटा है। मुझे बहुत ही डर लग रहा था फिर भी मैं जा रही हूँ। और ये जो बच्चे हैं मेरे जेठानियों के, देखिए ये लोग पहले से आए हुए थे तो इधर मुझे बहुत ही डर लगा था, और ये लोग इधर मुझे देख के दौड़ के आए मतलब चाची आगे गए के। तो दोस्तों मेरे साथ जो एक बैग था उसी में मैंने एक साड़ी ले ली थी, और यहाँ के मैंने साड़ी बदल के काम में लग चुकी हूँ। और ये मेरे जेठानी है, उधर बड़ी जेठानी बैठी है, और इधर देखिए जो क्रियाक्रम मतलब जो कार्यक्रम होता है जो भी करना पड़ता है मतलब उधर नियम कानून जो होता है श्राद्ध का उधर चल रहा है, और इधर मैं बैठ के तामूल काट रही हूँ। तामूल आप लोग पहचानते हो, तामूल जो होता है पान के साथ खाते वही तामूल का सुपारी वगैरह काट रही हूँ। और इधर आदमी लोग बैठे हैं, इधर खाना साना बनाने का मतलब वो चल रहा है, सब लोग मिलके सब्जियां वगैरह काट रहे हैं ये वो कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं तामूल जब काट रही थी इसी देवर ने मेरा वीडियो क्लिक करके दिया था। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा बाहर घूमने आए हैं इधर बच्चों के साथ नदी किनारे। दोस्तों देखिए ये कौन है, ये मेरा देवर है, ये कह रहा है कि इसे भी वीडियो में आना है इसीलिए मैं इसे भी उठा दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरा देवर। तो दोस्तों यहाँ का जो जो काम था वो सब हो गया है, और श्राद्ध वगैरह हो गया है, और फिर अब लोग आ रहे हैं खाना खा रहे जा रहे हैं, और मेरे पतिदेव को भी दुकान खोलना है इसलिए हम लोग चले जा रहे हैं जल्दी। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच गई, और घर पहुंच के मैंने पैर हाथ धुलाई भी कर ली, और मतलब चेंज भी कर ली है, और अब धूपकट्टी जलाने वाली हूँ। तो आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ। तो दोस्तों आज रात में हम लोग रोटी बना ली है मैंने, और यहाँ मूली का साग और इधर पत्ता गोभी का साग बनाया है, और दूध गर्म कर ली है मतलब दूध का साथ खा लूँगी यही सब। और आप सभी को गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।